Good morning, students. In this video, we are going to solve question number 9 of exercise 5.3. So here again the formula Sn you are going to use n by 2, 2i sub a n minus 1 into d. Please remember the formulas, memorize the formulas. So if the sum of first 7 terms is given 49, and the sum of first 17 terms is given 289. Find the sum of first n terms. So, aapko sum of first n terms find karna hai. Given kya kya hai? Sum of first 7 terms, wo hai aapke paas 49. Sum of first 17 terms, wo hai 289. Aur aapko find kya karna hai? Sum of n first n terms. Ye aapko find karna hai. और ये चीजें आपके पास गिवन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. तो लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. स्टार्टिंग में क्वेश्चन के ये आपने लिखना है जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. अब आपके पास क्या क्या गिवन है? S7 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स 289. और फाइंड क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. ठीक है बच्चों, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दैट इज 49. तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, मतलब n आपका 7 है यहां पर, बिकॉज एस एन की फॉर्मूला लगेगी n by 2, 2i sub a n minus 1 into d. तो n की जगह आपके पास 7 है. ठीक है, तो आप n लिखेंगे 7 अपॉन 2 into 2a plus 7 minus 1 into d is equal to 49. मतलब जहां ये वाली फॉर्मूला यूज की हमने S7, मान लो S7, तो 7 upon 2, 2a, 7 minus 1 into d. ठीक है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आपके पास आ जाएगा 2a plus 6d is equal to 49 into 2 upon 7. बताइए 2 upon 7 कहां से आया? ये 7 by 2 को हम यहां ले गए इस साइड, तो ये 2 by 7, ये हो जाएगा 7 7 सा, तो आपके पास 2a is plus 6d आ गया 14. तो आप यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो a plus 3d is equal to 14. तो आपके पास a plus 3d is equal to 14 upon 2. तो आप इसको डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं, और यू कैन यूज इट लाइक दिस. तो a की वैल्यू 7 माइनस 3d आप फर्स्ट लिख सकते हैं. a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d को आप ट्रांसपोज कर गए तो 7 माइनस 3d, तो a आपका 7 माइनस 3d. आल्सो या अगेन आल्सो आपके पास s17 दिया है 289. अब आपके पास n17 है बच्चों, तो यही वाली फॉर्मूला यूज करके हम लिखेंगे 17 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 into 2a plus 17 minus 1 into d equal to 289. तो अब जैसे आपने ऊपर में किया वैसे ही यहां भी करना है. 2a plus 16d, 17 minus 1 16, 289 into 17 by 2 कितना होगा बच्चों? 2 upon 17, तो कट गया 17 2 जा 32. तो आपके पास 2a plus 16d आ गया 34. तो यहां भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास 2i sub a 16d equal 34. तो यहां से आप फिर 2 कॉमन ले सकते हैं LHS में, तो आपके पास आ गया 2a plus 8d equal to 34. तो 2 34 के डिवाइड में चला जाएगा, तो a plus 8d equal to 17 आ जाएगा, तो a plus 8d 17. अब ये आप मान के चलिए सेकंड. अब यहां पर आपको a की वैल्यू कितनी आई थी फर्स्ट से? 7 minus 3d. तो आप फर्स्ट को पुट कर लीजिए सेकंड में, तो आप लिख सकते हैं a की जगह 7 minus 3d, a की जगह 7 minus 3d plus अपना 8d है equal to 17 from first. ये फर्स्ट से आया कि a की वैल्यू 7 minus 3d. सो अब बच्चों आगे लिखेंगे 7 को उस साइड ले जाएंगे और 8d में से 3d निकाल देंगे आप, तो 5d equal to 17 minus 7. तो d की वैल्यू 17 minus 7 10,
अपॉन 5 हो जाएगा तो d की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। सो d आपके पास 2 आ गया क्योंकि आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस का तो वैल्यू आ गया, अब कॉमन फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2, डी की जगह 2 पुट करेंगे क्योंकि 3d है, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई वो 1 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो a भी हमारे पास आ गया, d भी हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो कैसे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो आप इसको लिख सकते हैं एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन ही निकालना है, n अपॉन 2, 2 इंटू ए, ए की वैल्यू 1 प्लस n, नहीं मालूम आपको n माइनस 1 तो d, d कितना आपके पास है बच्चों, वो आपका 2 है। सो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2 प्लस 2n, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2n, सो दैट इज 2 भी आप कैंसिल कर सकते हैं। सो एस एन का वैल्यू आ गया एन स्क्वायर, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना आ गया बच्चों, एन स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फॉर्मूला अप्लाई की, एक ही एन का एन ही रह गया, एक की जगह 2 आपने वैल्यू पुट की और दो की जगह 2 किया तो 2n माइनस 2, 2 कैंसिल, ये 2n का 2 और 2 भी कैंसिल, n इंटू n, n स्क्वायर, यही इसका आंसर है।